तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं अपना मटेरियल कहाँ से लेती हूँ, केन कहाँ से लेती हूँ, बीट्स कहाँ से लेती हूँ। तो चलो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ मैं जहाँ से पिछले 7 से 8 साल से मटेरियल ले रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ गई हूँ न्यू लक्ष्मी फैशन हाउस। तो यहाँ पे दो शॉप सेम ही हैं, लक्ष्मी और ये जो न्यू लक्ष्मी है जो आप रेलवे स्टेशन के सामने से आएंगे तो यहाँ पे जो सेकंड वाली शॉप होगी वहाँ का ये वीडियो है, आपको न्यू लक्ष्मी में विजिट करना है। तो मैं आ गई हूँ शॉप पे, जैसा कि आप देख सकते हैं एंट्रेंस पे ये यहाँ पे बहुत सारी टोकरी है। तो चलिए अंदर चलते हैं। मेरा नाम सात उषा प्रवीण भाई है। मैं मेरी शॉप पे सुबह 9:30 से 10 बजे तक हाजिर रहता हूँ और सारी वेराइटीज ग्राहक को ऑपरेट करता हूँ। कि जो ये शॉप है मैं पिछले 7-8 साल से मैं यहाँ से परचेज कर रही हूँ, तो आपकी जो शॉप है वो कितने सालों से है? करीब 50 साल के करीब है हमारी ये शॉप मनेगर में। और पहले हमारी पुरानी दुकान थी वो करीबन 70 साल पहले जो पुरानी है, अभी हम खुद की दुकान बनाई है उसमें ये सब चीज़ हम रख रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कटलरी आइटम है, पेंटिंग के लिए फर है, ये सब हम बेच रहे हैं होलसेल में और रिटेल में दोनों में। ओके, ऑनलाइन सेल करते हो? अगर कोई आपको ऑनलाइन कांटेक्ट करे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, होलसेल में भी दे रहे हैं। तो जैसे आपने देखा मैंने स्क्रीन नंबर पे दिया हुआ है, आपको कोई चीज़ परचेज करनी हो तो आप इस नंबर से कर सकते हो। तो आपके वहाँ पे टोटल कितने आइटम हैं? हमारे पास करीबन 2000 से 3000 वैरायटीज है। यहाँ पे सबका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आपका नाम क्या है? अंगीसा। और आप कौन से टाइम पे अवेलेबल? मैं हर रोज अवेलेबल ही होती हूँ हर टाइम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शाह जिनांश। ओके, और आप कौन से टाइम पे अवेलेबल होते हो? मैं वैसे तो अवेलेबल नहीं होता पर जब रश होता है तब मैं अवेलेबल होता हूँ। रिद्धि शाह है। और आप कौन से टाइम पे अवेलेबल होते हो? मैं होती हूँ, ज्यादातर रश रहता है इसलिए आना ही पड़ता है, घर पे रहते नहीं, इधर ही आना। तो हमारे पास सबसे ज्यादा हैवी डिस्काउंट देने वाले पारस अंकल है। तो आपका नाम एक बार फॉर्मेलिटी? ओके, पारस शाह। और आप कौन से टाइम पे अवेलेबल हो? 11 से 10 तक, रात को 11 से रात को 10 बजे तक। शाहिद, मैं भी ऐसे अवेलेबल ही होती हूँ, रस होता है इसलिए। ओके, तो हमारे पास लास्ट पर्सन जो बचा है जो मुझे बहुत सारा परेशान करता है, मैं जब भी आती हूँ तो आपका नाम बता दीजिए। वाघेला आजाद, मैं भी ऑल टाइम अवेलेबल रहता पूरे दिन में। ये तो भी रिटेल शॉप में 90 रुपीज़ की है, होलसेल में ये चीज़ अलग रहती है, उसका भाव अलग रहता है। फिर एक ये बास्केट है वो 90 रुपीज़ की है। की प्राइस क्या है? ये बास्केट है 450 रुपीज़। ओके, और बिग साइज है 850। ओके, और होलसेल में अगर किसी को लेना हो तो प्राइस अलग रहेगी? हाँ, अलग अलग रहेगी। ये रिटेल प्राइस है, होलसेल की प्राइस है, होलसेल में आपको डिस्काउंट कर देंगे। और हाँ, मेरा वीडियो कोई देख के आएगा तो डिस्काउंट मांगेगा तो आप डिस्काउंट दोगे? अवश्य अवश्य देंगे देंगे। ये क्या है? ये वुडन ट्रे है, एम्पर है, उसमें डेकोरेशन कर सकते हैं आप। Okay. फ्रूट रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं उसमें। ओके, मतलब जो मैरिज वगैरह होते हैं उसके उसके अंदर काम में आते हैं। हाँ, और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे हल्दी की जो थाली वगैरह होती है, मेहंदी की थाली वगैरह होती है, तो उसका भी डेकोरेशन ये करके देते हैं। हाँ, दूसरी एक ये आइटम भी आएगी फैंसी में, तो इसको बोलते क्या है? फैंसी बॉक्स। हाँ, ट्रे फैंसी में इस टाइप की आएगी। फैंसी ट्रे है, इसमें भी साइज सब अवेलेबल रहती है। Okay. आपको इसमें कुछ करना नहीं है, खाली चीज रखनी है और ऊपर से नॉट बांध देनी है खाली। Okay. ये रेडी ही रहता है। और मुझे ये साइज नहीं, मुझे कुछ अलग इससे बड़ी साइज चाहिए, कस्टमाइज भी कर देते हैं। कस्टमाइज भी कर देते हैं, तो यहाँ पे कस्टमाइज भी हो जाएगा और स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मिल जाएगा, आप तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो नेक्स्ट। ये MDF है, मॉडपॉज में चलता है, घड़ी में चलता है, सब में ये सब चलता है। इसमें भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें हम वाटर प्रूफ भी रखते हैं और सादा वाला भी रखते हैं, थिकनेस में भी आएगा, सब आपको अवेलेबल मिल जाएगा। मतलब ये हर एक चीज कस्टमाइज यहाँ पे हो जाती है। बहुत सारी लेस है, मैं लेस यहाँ से बहुत, जब मैं फैशन डिजाइनिंग करती थी तो मैं यहाँ से बहुत सारी लेस वगैरह ले जाती थी। ये हैंगिंग वाली है लेस, इसमें भी आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी। मेरे पास इतनी वैरायटीज है कि मैं इधर डिस्प्ले पे आपको बता भी नहीं सकती। ओके, तो मुझे ये 1 मीटर चाहिए, ठीक है? हाँ, तो मुझे 1 मीटर मिल जाएगी? 1 मीटर भी मिल जाएगी। तो 1 मीटर भी मिल जाएगी यहाँ पे?
और ये अभी नवरात्रि आती है, ये आपको फैंसी गामठी कुर्ती में भी यूज करनी हो तो ये हैंगिंग वाली लेस है, कौड़ी वाली, ये भी आप इसमें ले सकते हो। इसमें भी मीटर चाहिए तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, एक मीटर भी मिल जाएगी। नवरात्रि की लेसिस है और ये हैंडवर्क में जो अभी बोलते हैं विंटेज लेस, विंटेज लेस इसको बोलते हैं, प्योर विंटेज लेस, मतलब सब हैंड का किया हुआ काम है इसमें और बहुत बढ़िया लगेगी। अभी देख सकते हो ये राइनस्टोन चेन है, ये मैंने बहुत सारी ली हुई है यहाँ से और ये बहुत अलग अलग कलर में अवेलेबल है। यहाँ पे बटन्स भी है, फिर ये यहाँ पे, हाँ फिर यहाँ पे बीट्स भी है और ये वाले बीट्स भी दिखा दीजिए। हम कितने कितने देते हो? 10 ग्राम से लेके आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो मिल जाएगा, क्वांटिटी में भी मिलेगा और छुट्टक में भी मिलेगा। ओके, होलसेल में भी और रिटेल में प्राइस अलग रहेगी। मेरे पास ये रेजिन का मटेरियल है, यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी आप देख सकते हो, है रेजिन मोल्ड, ये राखी के लिए, ये राखी के लिए है। ओके, और ये, ये फ्रेम वरमाला प्रिजर्वेशन सबके फोटो फ्रेम। और ये इसकी प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस क्या है इसकी रेजिंग मोल्ड की? 60 स्टार्ट था इसे। ओके, सबसे छोटी 60 से स्टार्ट होती है ये रेजिन हार्डनर है। ओके, तो इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 800 है। यहाँ पे फ्लावर्स भी है अलग अलग रेजिंग के लिए, ड्राई फ्लावर्स है, ड्राई फ्लावर्स बोलते है उसको, ये रेजिंग के पिगमेंट कलर है, ड्राई फ्लावर्स है यहाँ पे। ये ज्वेलरी के लिए यूवी रेजिन है, तुरंत सूख जाता है, ज्वेलरी में यूज होता है ये। तो ये यूवी रेजिन है, ये इसके छोटा पैक मेरे पास है, तो ये इसके लिए ना एक मशीन चाहिए, उससे ये ड्राई हो जाएगा। ये रेजिन की एक नई किट आई है, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 800 रुपीज है। इसके अंदर ये सब आपको इंक्लूड हो जाएगा। रेजिन का ही एक टूल है, रेजिन के अंदर वो जो बबल्स हो जाते हैं तो उसको निकालने के लिए ये वाला टूल यूज होता है, हीट टूल बोलते हैं उसको। ये लिपन आर्ट भी कर सकते हैं और रेजिन भी यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये स्प्रे पेंट है, इसकी क्या प्राइस है? वो 160 से आसपास से शुरू होता है सब, कलर वाइज होता है, कलर के ऊपर प्राइस होती है। बहुत सारे कैनवास है और कलर्स भी है, तो आपके यहाँ पे कैनवास कितने से स्टार्ट हो जाता है? 35 रुपीज। तो ये सबसे छोटे साइज का कैनवास है, 4x4 का। कलर के भी बहुत सारे ऑप्शन है, कौन से कलर्स है? ये आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर है, जो सब आर्टिस्ट कलर है ये सब कैनवास पे चलते हैं। अलग अलग ऑयल पेंट बेस कलर, आर्टिस्ट कलर, सब कलर्स आपको यहाँ पे इन शॉर्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे ब्रश भी मिल जाएंगे, फिर जो पेंसिल अलग अलग आती है आर्टिस्ट जो यूज करते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? वुडन प्लेट, रूम प्लेटर सब चलते हैं। ये वुडन प्लेट है, रिंग प्लेटर भी है, मतलब इसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 100 है, इसकी प्राइस 100 रुपीज है। तो चलो मूव ऑन करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड हैं, तो यहाँ पे जो थ्रेड्स है मैंने यहाँ से थ्रेड लेके ये रिंग बनाई हुई है। जैसे कि मैंने बोला 90% से 80% मेरा मटेरियल यहाँ से ही आता है। तो ये जो हैंडवर्क के जो थ्रेड्स है उसमें कितनी वेराइटीज मिल जाती है? बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएगी और बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। कलर कस्टमाइज करवाना हो मतलब रेडी मिल ही जाता है, कस्टमाइज नहीं होता है इसमें, कलर सब में कलर कस्टमाइज नहीं होता है। मैं ये वाले जो थ्रेड होते हैं ना उसके अंदर 100% गारंटी रहती है कि इसके कलर नहीं जाते हैं। वुल भी है हमारे पास, वर्धमान का बेबी सॉफ्ट वुल भी है, अलग अलग कंपनी के वुल्स भी अवेलेबल है। तो ये कौन सा है? ये क्रोशियो के लिए धागा है, क्रोशियो के लिए, क्रोशियो के लिए। और ये कौन सा है? ये वुलनी है, क्रोशियो में यूज होता है। ये भी भूलन ही है, अलग अलग वैरायटी के क्रोशियो वर्क के लिए। यान है क्रोशियो के लिए, तो ये यान है, ये मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे। ये क्रोशियो करने के लिए जो ऊन की जो आइटम, वूल की जो आइटम होती है उसको बनाने के लिए ये मटेरियल है। इसकी प्राइस स्टार्टिंग 40 रुपीज 30 रुपीज, अलग अलग साइज में आपको मिल जाएगा ये। ओके, तो ये यहाँ पे बहुत सारे मिरर्स हैं, तो इसकी प्राइस क्या रहती है? 30 रुपीज 100 ग्राम। अगर मुझे होलसेल में चाहिए, मुझे उसका भाव अलग रहेगा, उसका प्राइस अलग रहेगा। तो बहुत सारे बीड्स भी है यहाँ पे, कितने टाइप्स के बीड्स मिलते हैं? बहुत सारी टाइप्स के क्रिस्टल मिल जाएगा, गिन भी नहीं सकते उतने टाइप्स के यहाँ पे बीड्स मिलते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। पर मोती बोलते हैं, ग्लास मिरर, ग्लास बीड्स, ग्लास बीड्स बोलते हैं उसको। तो अभी राखी आने वाली है, तो राखी के लिए आपके पास कोई मटेरियल अवेलेबल है? राखी के पंडल बहुत तो सारे हैं, मुझे ये दिखा दीजिए। तो यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है कि मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या क्या दिखाऊं आपको।
तो अभी राखी आ रही है तो उसका मटेरियल मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे ना रेडीमेड राखी भी आपको ऑर्डर के साथ मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। और रीति भाभी आप मुझे दिखाइए यहाँ पे कौन कौन से मटेरियल मिलते हैं राखी के लिए। राखी के लिए ये पेंडल्स है, ये तो खाली मतलब बोलेंगे थोड़ा पीस है मेरे पास, इतने सारे बॉक्सेस है यहाँ पे और अभी सारे बॉक्सेस है और अभी इससे ज्यादा भी राखी में आएगा, ये खाली इतना ही अभी तो है, पर मेरे पास बहुत क्वांटिटी में रहता है। हम होलसेल में भी ये बेचते हैं और रिटेल में भी ये करते हैं। जैसा कि मैंने बोला रिटेल का प्राइस और होलसेल का प्राइस अलग रहेगा। अगर आपको ये एक पीस चाहिए तो आपको एक पीस भी ये मिल जाएगा। हाँ तो ये क्या है, ये गजरी बोलते हैं इसको और ये राखी में बीच बीच में जाती है तो इससे राखी बहुत बढ़िया बनती है। ये गजरी है और ये ऐसे ही मोती बीट्स है, बॉल बीट्स बोलते हैं, जैको मोती बीट्स। वैरायटी दिखा दीजिए यहाँ पे, ये धागे इसमें भी मिलेंगे, ये पल भी है, ये बीट्स बोल लो, और बहुत सारी वैरायटीज है यहाँ पे। और ये राखी की रेडी डोरी रहती है, खाली आपको पेंडल ही इसमें अटैच करना रहता है, तो आप घर पे भी बना सकते हो। तो ये राखी की डोरी जो होती है, जो थ्रेड होता है वो रेडीमेड है, तो ये भी यूज करके और इसके ऊपर ये पेंडेंट लगा दो तो हो गई आपकी राखी रेडी, जिसे आप स्मॉल बिजनेस भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। रात्रि के लिए क्या क्या वैरायटीज है? वी हैव ऑल ग्राम्थी पेज, स्क्वायर है, एक सर्कल है, इसमें बड़ी साइज है, एंड वी ऑल्सो हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस, एंड ऑल्सो हैव अ लटकन। यहाँ पे बहुत सारे लटकन भी है, और ये नवरात्रि में जो चनिया चोरी वगैरह आप जो बनाते हो ना तो उसके लिए ये काम में आता है, ये भी लटकन ही है। यस तो ये हैंडमेड है। यस ये कस्टमाइज है और ये हैंडमेड है। ओके तो आप ये कस्टमाइज भी करके देते हो? यस कोई फोटो लेके आओगे मुझे इस तरीके का लटकन बनाना है तो आप बना दो? यस यस ओके तो इसकी प्राइस क्या रहेगी? 100 इसकी 100 रुपीज 100 की पैर 100 की पैर मिलेगी आपको। ये एक सबसे छोटा वाला पेज की क्या प्राइस है? 20 रुपीस। ये 20 रुपीस से इतना सस्ता और इतना अच्छा कहाँ मिलता है? इसकी प्राइस 40 रुपीस। ये 40 रुपीस तो रिटेल है, होलसेल में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो होलसेल में लेना हो फॉर एग्जांपल तो कितना मिनिमम क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी? 12 पीस आपको मिनिमम क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अगर मेरे को 12 से ज्यादा लेनी होगी तो मेरे को मुझे और डिस्काउंट मिल जाएगा? यस डिस्काउंट मिल जाएगा। ज्वेलरी हाथ में पहनी हुई है, ये वाले मिरर तो इसकी क्या प्राइस रहेगी? 12 रुपीस। 12 रुपीस और मुझे ये कलर में नहीं, मुझे कोई और कलर में? डिफरेंट कलर भी। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कलर में आपको कस्टमाइज करके भी देंगे, तो इससे ना आप एक अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और ये भी यहाँ पे बहुत सारे तरीके के लटकन भी है, ये हैंडमेड है और ये भी हैंडमेड ही है पूरे के पूरे। तो नवरात्रि आ रही है तो आप यहाँ से शॉप जरूर करिए, और थोड़ा सा हमारा जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप डिस्काउंट देंगे? यस ओके तो आप मेरा वीडियो लेके आओगे तो पे अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो मुझे अभी एक और बात पता चली है कि यहाँ पे 50+ कलर के ये क्या बोलते हैं, जैको मोती या छोटे छोटे जो बीड्स बोलते हैं, इतने सारे कलर्स ग्लास बीड्स अवेलेबल है यहाँ पे। मैं खुद आज शॉक हो गई हूँ कि इतनी सारी वैरायटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये कौन सी साइज है? ये मीडियम साइज। ये मीडियम साइज है, इससे भी स्मॉल आते हैं। और इसकी प्राइस क्या रहेगी? 20 रुपीज 10 ग्राम और 100 ग्राम लेंगे तो उसकी प्राइस अलग होगी, 180 की 100 ग्राम। बहुत सारी वैरायटी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं Part 2 बनाऊँ। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी और वैरायटीज है। यहाँ पे क्या क्या मटेरियल है आप दिखा दीजिए ना। पैकिंग के लिए स्टार्टिंग की रिबिन आ जाएगी, इसमें आपको कलर और साइज सब मिल जाएगी। ये सबसे छोटी साइज है, ये छोटी मीडियम बड़ी, इससे बड़ी चाहिए इससे बड़ी भी आएगी, ये तो भाव भी हो जाएगा इसमें होलसेल का। दिवाली और नवरात्रि में ये तोरण का मटेरियल है, जैसे हम हैंगिंग के लिए यूज करते हैं वो वाला मटेरियल है। बहुत सारा मटेरियल है यहाँ पे। यहाँ पे ये वाली लेस है, तू ही बोलते हैं या गोल्डन लेस बोल लो, ये भगवान के जो वस्त्र में आते हैं, होते हैं क्लोथ्स होते हैं कान्हा जी के, उसमें यूज होते हैं ये। यहाँ पे छोटी साइज और बड़ी साइज भी आपको मिल जाएगी और ये बहुत रीजनेबल होती है। बस यहाँ पे अगेन रेजिन का बहुत सारा मटेरियल है, और ये जो ऊपर जो है वो क्ले वगैरह है और पॉलीमर क्ले है। फिर आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ क्रिल की 3D आउटलाइन भी है बहुत सारी, और अगेन ऊपर रेजिन का मटेरियल भी है।
और यहाँ पे नीचे बहुत सारे कलर्स भी है, बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगेन ये वाला सेक्शन भी है, यहाँ पे भी आपको कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अब हम हमारे लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं, वैसे तो ये लास्ट नहीं है पर फिर भी ये यहाँ पे आ गए हम। तो यहाँ पे मैंने देखे है बहुत सारे लटकन जो ब्राइड वगैरह यूज करती है, दुल्हन वुल्हन। तो मुझे अगर मेरे दूल्हे का नाम लिखवाना हो, कस्टमाइज हो जाएगा, कितने से स्टार्ट होगा? 250 से लेके 650-800 आप जैसे डिजाइन लोगे ऐसे कस्टमाइज होगे हो मिल जाएगा। कस्टमाइज करवाओगे वैसा रेट रहेगा और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देंगे आपको, और कलर भी कस्टमाइज हो जाएगा। हाँ, कलर भी कस्टमाइज हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा बहुत सारी वैरायटी है, मैं पार्ट वन के अंदर कवर नहीं कर पाऊंगी इस वीडियो में, तो ये वाला वीडियो रहेगा पार्ट वन। और दूसरा मैं वीडियो लेके आऊंगी जहाँ पे मैं आपको इनका गोडाउन भी दिखाऊंगी, और बहुत सारी जो वैरायटीज है वो कवर नहीं हुई है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।